नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक परिवार को शादी में जाना भारी पड़ गया जब परिवार के जाते ही घर को रैकी कर पहले से बैठे दो बदमाशों ने घर के अंदर ताले तोड़कर कुछ ही मिनटों में मशीन के जरिए अलमारियों के ताले खोलकर 2 लाख नकदी और कुछ सोने के जेवर ये चोर ले उड़े। जब परिवार के लोग शादी से घर लौटे तो घर के ताले टूटे देख चोरी की जानकारी लगी थी। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को घर के पास लगे कैमरे के फुटेज मिले हैं जिसमें 2 संदेही नजर आ रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश करने में लगी है। इंदौर के तुगोगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड पलासिया में रहने वाले आरिफ के घर ये चोरी की घटना सामने आई। जब परिवार के कुछ लोग अजमेर गए हुए थे तो कुछ घटना वाले दिन रात में ही शादी में शामिल होने गए थे। बस इतनी देर में 2 चोर घर तक पहुंचे और मशीन से तालों को काटकर घर के अंदर अलमारी के लॉक खोलकर नकदी 2 लाख और जेवर ले उड़े। अब पुलिस को जो फुटेज मिले हैं उसमें नजर आ रहे दोनों युवकों को पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश करने में लगी है। चोरी की आपके हम लोग है ना रात को 8:35 पे घर के लिए निकले, शादी के लिए निकले घर से, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे जिन्होंने ताला तोड़ के अंदर घुसे और वहाँ पर से मम्मी की अलमारी रखी हुई थी किचन में, वहाँ से उन्होंने ग्लेंडर से उसका लॉक तोड़ा और अंदर से नकदी थे 2 लाख रुपए वो निकाले और उनका 3 तोले का हार था सोने का वो निकाला और अंगूठी थी, मतलब तकरीबन 5-1 लाख रुपए की चोरी करके वो भाग गए। वो जवाहर मार्ग गए थे टाट पट्टी भाग कर, हाँ सेम डे में ही, मतलब 1 घंटे के हेर फेर में चोरी हुई है। सर इसका तो कैसे बता सकते हैं अपन, ये तो हो सकता है कि हाँ पहले बकरा चोरी हुआ था, हाँ बकरा भी चोरी हुआ था और आइट साइड भी मतलब चोरी हो चुकी है इधर इलाके में। हाँ आसिफ, कौन सी कॉलोनी है? 17 ही न्यू पलासिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।